हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर वन प्लस मोबाइल में व्हाट्सएप से कुछ भेजते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है, स्लो जाता है, तो कैसे सही करें। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, एक वीडियो हम सेंड करके आपको दिखाते हैं, बहुत स्लो जा रहा है। अभी देखिए, यहाँ पर हम आ गए, व्हाट्सएप ओपन किए, देखिए छोटा सा वीडियो है। नहीं जा रहा है, देखिए यहाँ पर इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए अब बताते हैं कैसे आप सही कर सकते हैं। तो सिंपली बैक आते हैं, सबसे पहले सेटिंग्स में चलते हैं मोबाइल के, फिर आ जाना है थोड़ा नीचे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐप मैनेजमेंट या ऐप मैनेजर नाम का, जहाँ पर सभी ऐप रहते हैं। तो दोस्तों, आपको इस सेटिंग पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर ऐप लिस्ट या मैनेज ऐप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइस, लोडिंग होकर सभी ऐप्स यहाँ पर आ जाएंगे। सर्च बार में क्लिक करके व्हाट्सअप लिखना है आपको, व्हाट्सअप आ जाएगा, व्हाट्सअप पे क्लिक करना है। या फिर अगर आप लिखना नहीं चाहते हैं तो नीचे आएंगे, सबसे नीचे W पे मिल जाएगा व्हाट्सअप, व्हाट्सअप पे क्लिक करना है। फिर स्टोरेज यूजेज, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से क्लियर कैच रहेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर बैक आना है, फिर फोर्स स्टॉप पर क्लिक करके फोर्स स्टॉप पर क्लिक कर देना है। अब आपको बैक आना है। आप चाहें तो ऐप मैनेजमेंट, यहाँ अगर ऊपर सर्च बार में क्लिक करके लिखेंगे ऐप तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा ऐप मैनेजमेंट या ऐप लिस्ट, यहाँ से भी आप व्हाट्सएप को क्लियर कैच कर सकते हैं। फिर गाइस देखिए, इतना करने के बाद फिर से आपको मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। अब आपको आ जाना है थोड़ा नीचे और अब की बार एक सेटिंग खोजनी जिसका नाम है एडिशनल सेटिंग। तो यहाँ पर एडिशनल सेटिंग या सिस्टम सेटिंग नाम से ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर आपको सबसे नीचे आना है, बैकअप एंड रीसेट पे क्लिक करना है। फिर आपको सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स या रीसेट ऑल नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके अपने मोबाइल के नेटवर्क को रीसेट कर लेना है। कुछ भी डिलीट नहीं होगा, नेटवर्क सही हो जाएगा। और गाइस, आप चाहें तो सेटिंग में जाने के बाद इस सेटिंग को आप सर्च बार में क्लिक करके लिखेंगे रीसेट, तो सेटिंग यहाँ पर मिल जाएगी, रीसेट नेटवर्क सेटिंग या रीसेट ऑल सेटिंग, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो गाइस, इतना करने के बाद आपको अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना है या रिबूट या रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। अब गाइस, इतना सब कुछ करने के बाद अब कुछ भी आप सेंड करेंगे काफ़ी स्पीड के साथ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, हम रीट्राई करते हैं, फिर से सेंड करते हैं, देखना है अभी ध्यान से, यहाँ पर देखना, देखिए यहाँ पर चला गया तुरंत। तो इस तरीके से आप सेंड कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।